Ladies and gentlemen, welcome back to the channel. So welcome back to the channel guys, this is Speedy Leo and आज हम लोग रिव्यू करने वाले अपना SMK Titan Carbon Helmet and रिव्यू स्टार्ट करने से पहले सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो। एंजॉयड द सिनेमैटिक सीक्वेंस और अगर अच्छा लगा है तो लाइक डाल दो और कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा आप लोग को। सो अभी अपन स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग मतलब अनपैकिंग। तो ये ऐसा एक बैग आता है इसके साथ में, बहुत अच्छा क्वालिटी का बैग है। जैसे कि नॉर्मल आपको जो हेलमेट के साथ में बैग आता है वो नॉर्मल ऐसा मतलब आप लेके उसको घूम सकते हैं, लेकिन ये ऐसा स्लिंग बैग जैसा है, जैसे कि एंट्री में आप लोग ने देखा मैं कैसा पहन गया तो वैसा, तो आप इसको पहन के घूम भी सकते हैं। एंड अभी इसको अपन खोलते हैं। ओके सो लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, प्योर कार्बन फाइबर, ऊपर से नीचे तक सब पूरा फुल कार्बन फाइबर है। एंड बैग रखते थे साइड में। सो गाइस दिस इज द SMK टाइटन कार्बन हेलमेट। सो गाइस अभी हम लोग देखते हैं इसके साथ में क्या क्या आता है, मतलब ज़्यादा तो कुछ ऐसा कंटेंट मतलब इतना कुछ आता नहीं है इसके साथ में। इसके साथ में क्या कोई भी हेलमेट के साथ में नहीं आता है, लेकिन मतलब बेसिक है ये, मैनुअल है पिन लॉक का, कोई नहीं पड़ेगा इसको। और ये इसका और एक पाउच है, इसके साथ में एक SMK का कुछ तो भी है और ये भी कुछ तो भी है। ये मैनुअल है, पढ़ना चाहिए इसको, मतलब इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया है हेलमेट कैसे पहनने का और क्या ऐसा इमरजेंसी में कैसे निकालने का। और ये स्टिकर, आई रियली लव स्टिकर्स। एंड कीचे, तो यही है इसके अंदर का कंटेंट। ओके सो अभी आप लोग ने देख लिया उसके अंदर क्या क्या आता है हेलमेट के साथ में, अभी अपन देखते हैं हेलमेट का फीचर्स। तो गाइस इसको आता है पिनलॉक 70 वाला वाइजर, एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा वाइजर है। एंड ये हेलमेट है एल साइज का 59-60, जिसका भी मतलब स्कल साइज रहता है वो उसके लिए मतलब परफेक्ट है। आप लोग चार्ट्स देख सकते हैं किसको कौन सा साइज का हेलमेट यूज लग सकता है, यूज़ कर सकते हैं। तो ये एल साइज का मैंने लिया है। एंड इसका ये वाइजर है पिनलॉक के साथ में आता है और पिनलॉक 70 आता है इसके अंदर। जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा जो भी मतलब हेलमेट अलग अलग टाइप का आता है उसके अंदर किसमें पिनलॉक 30 आता है, किसमें पिनलॉक 70 आता है। तो ये पिनलॉक 70 है, बड़ा पिनलॉक है, मतलब बजट सेगमेंट वाला 5000-6000 वाला हेलमेट में पिनलॉक 30 आता है, लेकिन इसमें पिनलॉक 70 दिया है, तो बहुत अच्छा बात है ये। एंड ऐसा ये इधर का लॉक वाला मैकेनिज्म दिया है, इसको ऐसा दबाएंगे तो ये खुल जाएगा और फिर इधर से ऐसे दबाएंगे तो लॉक। इसमें ऐसा नीचे सनवाइजर दिया है, इधर से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ऑपरेट, तो बहुत अच्छा है ये भी। और अभी तक इसका तो मैंने ये फिल्म उतारा नहीं क्योंकि मेरा ब्लैक वाला वाइजर आ रहा है अभी भी, तो उसके लिए मैंने इसको रखा है ऐसे। और इधर ऐसा चिन कर्टन, ये चिन के लिए मतलब एयर डिफ्लेक्टर बोल सकते हैं। एंड नीचे के पार्ट में देखेंगे तो फिर आपको इधर चिन गार्ड दिया है, ये निकलता भी है इधर वेलक्रो जैसा, आप सुन सकते हैं तो ऐसा है, आप निकल भी सकते हैं उसको। फिर उसके बाद नीचे वाला पार्ट में आएंगे तो फिर इधर आपको देखने को मिलेगा ये रैचेट सिस्टम है ऐसा। कुछ कुछ हेलमेट्स में डीरिंग भी आता है, ये इसके ऊपर अभी अपन बाद में बात करेंगे। एंड इसका पैडिंग भी बहुत एकदम बहुत प्रीमियम है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है हेलमेट भी महंगा है तो प्रीमियम एकदम पैडिंग दिया है इसके अंदर। और ये इमरजेंसी लिखा है, इसका मतलब ऐसा है आप इसमें फिंगर ऐसा डाल के उसको ऐसा खींच देंगे इमरजेंसी सिचुएशन में, कभी एक्सीडेंट हुआ तो ये पैडिंग पूरा निकल जाएगा दोनों साइड से। एंड ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रिफ्लेक्टिव है, मतलब आप राइडिंग वीडिंग के टाइम में अगर हेलमेट अपना यूजुअली थोड़ा सा ऐसा नीचे एंगल में रहता है तो इधर से रिफ्लेक्ट होता है ये, तो ये दिखेगा। और इधर
टाइटन का ब्रांडिंग दिया है, और अंदर के साइड में देखेंगे तो ऐसे ही है कुछ, एंड पीछे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं SMK का ब्रांडिंग है, और हेलमेट का वेट दिया है 1650 grams, जो थोड़ा हैवी है, मतलब कार्बन फाइबर के हिसाब से थोड़ा सा और लाइट वेट होना चाहिए था, जैसे 1300 to 1400 grams तक लेकिन चलता है। एंड बहुत सारा मैंने रिव्यूज़ देखा है, उसमें बहुत लोगों ने बोला है कि मतलब हेलमेट बहुत लाइट वेट है, मतलब राइडिंग के टाइम में फील नहीं होता है उतना। और ये EC अप्रूव्ड है, डॉट नहीं है। एंड गाइज, आप लोग को अगर मालूम नहीं रहेगा तो EC डॉट के ऊपर आता है, तो मतलब वही तो चाहिए, और क्या, मतलब सर्टिफिकेशन अगर अच्छा मिल रहा है तो और क्या चाहिए। एंड ये था कुछ उसका अंदर का, एंड ये है उसका एक एयर डिफ्लेक्टर, सॉरी एयर वेंट। तो ये अंदर का आप लोग ने देख लिया सब, और फिर ये है उसका एयर वेंट एक, और ये ऊपर एक है, इसे आप लोग देख सकते हैं ऊपर और ये नीचे। तो ऐसा दो एयर वेंट्स दिया है, और हेलमेट बहुत एरोडायनामिक है, पीछे ऐसा स्पॉइलर भी दिया है इसको, तो आप कैसे रेसिंग वेसिंग के टाइम में ऐसा हेलमेट अगर टक करके अगर आप चला रहे तो फिर उसके लिए मतलब एकदम प्रॉपर एरोडायनामिक है। तो आप लोग देख सकते हैं हेलमेट का एंगल ऐसा रहेगा तो एयर ऐसा फ्लो होता है, और बहुत अच्छा इसका शेल भी है, और आप लोग जैसे देख सकते हैं पूरा कार्बन फाइबर है, पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक। और इसमें जो दूसरा एक वर्जन आता है वो है SMK टाइटन का ही है, उसमें कार्बन फाइबर नहीं है, वो 8500 का कुछ आता है, तो उसमें कार्बन फाइबर नहीं है, ये पूरा कार्बन फाइबर है, तो ये थोड़ा उससे महंगा है। सो गाइस, अभी ये हेलमेट का मेरे को जो पार्ट अच्छा नहीं लगा मैं अभी वो बताएगा आपको। तो ये था कि मतलब मैंने जब भी रिव्यूज़ देखा था तो वो टाइम पे थाईलैंड सिंगापुर वो साइड का बाहर बाहर का रिव्यूज़ देखा था मैंने, तो वो टाइम पे मैंने एक चीज़ देखा कि मतलब ये हेलमेट में डी रिंग दे रहे, एंड ये हेलमेट इधर से ही बन के बाहर कंट्रीज़ में जाता है। तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब SMK अगर हेलमेट एक्सपोर्ट कर रहा है उसके साथ में डी रिंग दे रहा है तो इंडियन मार्केट के लिए क्यों नहीं दे रहा है। एंड उसके पीछे भी रीज़न ऐसा है कि मतलब इंडियन मार्केट को डी रिंग पसंद नहीं है, अभी उसका रीज़न भी ऐसा है। डी रिंग अगर आप लोग को मालूम नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का उसका मैकेनिज्म रहता है कि मतलब AGV हेलमेट्स में वो सब आता है और हाई एंड हेलमेट्स में वो सब आता है, एंड सेफ्टी के हिसाब से वो बहुत अच्छा चीज़ है। तो वो मैं सोच रहा था ये हेलमेट में रहता था तो अच्छा होता था, लेकिन नंदलेस चलता है ये भी जो है, वो भी बहुत सेफ है, अभी जिसमें जो मैकेनिज्म दिया वो बहुत अच्छा है। तो ये तो था जो इसका मतलब मेरे को एक कॉन लगा था कि मतलब डीरिंग होता तो बहुत अच्छा होता। तो अभी मैं इसका प्रोस के बारे में बात करेगा कि SMK ही मैंने क्यों लिया। अभी मेरा बजट देखने का तो मैं AGV लेने का सोच रहा था, लेकिन उसका पीछे भी रीज़न ऐसा था कि मतलब ये और वो दोनों मतलब वही सेम बजट में आ रहा था, लेकिन फिर बाद में जब मैंने प्रॉपर रिसर्च किया तभी मेरे को मालूम पड़ा AGV का पार्ट्स बहुत महंगा है। जैसे कि आप अगर वाइज़र आप लेने को गए तो उसका वाइज़र सिर्फ 5500 तक आता है, स्मोक वाइज़र। हेलमेट अगर 14-15 हज़ार का लिया तो उस पर वाइज़र 5000 का, फिर उसके बाद उसमें आप पिन लॉक लगाने जाएंगे तो वो भी 3-4 हज़ार का आता है, तो मतलब एकदम बेकार खर्चा है, कुछ काम का नहीं है। वही अगर अभी SMK का अगर मैं बताऊँ, ये हेलमेट का इसका वाइज़र सिर्फ 500 में आता है, सिर्फ 500, और ये इसका पिन लॉक का मेरे को प्राइस नहीं मालूम, लेकिन वो भी बहुत एकदम डर्ट चीप है। तो मतलब अगर आपको समझो बाई चांस कभी ये हेलमेट का कुछ हो गया या फिर वाइज़र टूट गया, कुछ भी हो गया, तो आपको इतना मतलब बिल पे लगेगा नहीं कि मतलब इसका कोई भी अगर पार्ट आप चेंज करने जाए, जैसे पैडिंग हो गया या फिर ये हो गया, ये सब मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है, तो मतलब आप बिंदास चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये हेलमेट के लिए एक ब्लैक कलर का वाइज़र पहले से ऑर्डर करके रखा है, तो अभी उसको थोड़ा आने को टाइम लग रहा है, क्योंकि रीज़न ऐसा है ये मार्केट में अभी तक आया नहीं है प्रॉपर। इंडिया में जैसे आप लोग को मैंने बोला ये बहुत कम हेलमेट है, 4 to 5 ही हेलमेट रहेगा, एंड यूट्यूब पे तो सबसे पहला अपना ही अभी वीडियो है। एंड ये भी एक प्रॉब्लम था कि मतलब जब मैं ये हेलमेट का रिव्यू देख रहा था, रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, तो मेरे को कुछ भी वीडियो नहीं मिला, इंडिया का तो एक भी जन ने वीडियो नहीं बनाया था इसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि मतलब चलो हेलमेट ले लेते हैं और रिव्यू बना देते इसके ऊपर, एंड हेलमेट भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा मेरा 4 साल से मैं THS का हेलमेट यूज़ कर रहा था, T76 मेरा, एंड उसका भी रिव्यू मैंने बहुत साल पहले किया था, यही जगह पे सेम जगह पे किया था, और वो भी हेलमेट बहुत टाइम तक चला, लेकिन वो टाइम पे प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि वो हेलमेट जब भी मैंने लिया था वो भी हेलमेट L साइज का है, एंड वो लिया था मैंने 4 साल पहले, तो मतलब वो टाइम पे मेरे को M लेना चाहिए था, M साइज, लेकिन मैंने लिया L, क्योंकि वो टाइम पे मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं सीधा गया था स्टोर पे, हेलमेट पहना, हाँ ठीक लग रहा है चलो ले लिया। लेकिन ये हेलमेट लेने के टाइम मैंने प्रॉपर सब
फिटिंग विटिंग देखा, जैसे कि आप लोग ने देखा रहेगा पिछला वाला वीडियो में, पूरा एकदम टाइट फिटिंग देखा, सब हिला हिला के ऐसा मतलब शेक करके देखा कि मतलब सब प्रॉपर फिटिंग है। एंड और एक बात, जब मैंने हेलमेट लिया तो वो टाइम पे जो उधर का शॉप का जो स्टाफ था, उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि सर आप बैलाक्लावा ले लो। बैलाक्लावा कैसे रहता है, एक मतलब ऐसे टोपी जैसा रहता है कि मतलब आप लोग मास्क जैसा रहता है, आप पहन सकते हैं और बहुत अच्छा भी रहता है, बाइकर लोग बहुत पहनते हैं। मैं तो कभी यूज़ नहीं किया उसको, लेकिन मैं उस दिन वो पहन के फिर ये हेलमेट पहना तो और एकदम स्नग फिट आ गया। तो मतलब वो भी एक बहुत अच्छा चीज़ है, आप लोग भी वो ट्राई करना चाहिए। अभी उसका आप फोटो देख सकते हैं, ऐसा वो रहता है बैलाक्लावा। तो वो एक चीज़ था, तो मैंने वो भी ले लिया था। सो गाइस, ये था कुछ रिव्यू अबाउट द SMK टाइटन कार्बन हेलमेट। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा रिव्यू। एंड और कुछ अगर आपको क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस हेलमेट तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं सबका आंसर दे देगा इसके ऊपर। सो गाइस, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड, एंड इफ यू डिड गिव इट अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द स्पीडी लियो चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, राइड सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर एंड पीस।